रिझंट हॉटेल येथे समाजवादी पार्टीच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये येणाऱ्या लोकसभा निवडणूक अबूजी आझमी या प्रसंगी हजर होते. त्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. समाजवादी पार्टी कार्यकर्त्यांना पद वाटप प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. या प्रसंगी अबूजी आझमी यांना पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. अहम वसूल यह है, हमारी नीति यह है कि पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन देश बड़ा रहना चाहिए. पार्टी क्या देश का संविधान खतरे में पड़ा. अभी जो सरकार चल रही है वो सरकार एक नया आरएसएस का संविधान लिख रही है. क्या कर रहे हैं आप? इसलिए हम लोगों को कुछ कुर्बानी देना चाहिए. बीच में आना, कोशिश ये हो रही है कि देश में जितने सेक्युलर लोग इकट्ठा हो जाएं, वोटों का बिखराव ना हो. लेकिन मोदी जी ऐसा दिखा रहे जैसे वो अकेले सबसे लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ देश में एक महा गठबंधन हो रहा है. मोदी जी लोगों को गठबंधन बताइए, झूठ बोलने में आप बहुत माहिर हैं. आप तो गठबंधन पहले से 40-40 पार्टियों कर चुके हैं. आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, अभी तक लोग अकेले लड़ रहे थे. अब लोग जो है, जिस तरह आपने वोटों को बटोरा, उसी तरह से अब जो गलती पिछली बार हुई थी वो ना हो और सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, इकट्ठा रहे, ये कोशिश देश में हो रही है. इसमें सबसे पहले शुरुआत अखिलेश यादव जी ने किया सुश्री मायावती जी के साथ. अब अगर कोई ये कहता है कि वोटों का वोट ट्रांसफर नहीं हो, एक गलत फहमी फैलाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी को, बीएसपी का वोट समाजवादी को क्या ट्रांसफर होगा, ये गलत फहमी फैलाने की कोशिश हो रही है. परंतु जब वहां पर 4 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ और बीएसपी जब खुल करके स्टेज पर ना आकर के सिर्फ ये स्ट्रेटजी उनकी है कि वो लोग पार्टी चलाऊंगा, मेरा वर्कर कहां जाएगा अगर मैं नहीं लड़ाऊंगा इलेक्शन, तो एक सीट पे अगर अलायंस हुआ तो ठीक है और नहीं हुआ तो मुबारकबाद देता हूं मैं कांग्रेस को. और मैं फिर 8-10 सीटें अलायंस करके इलेक्शन लड़ूंगा और भिवंडी की सीट जरूर लड़ूंगा. ये मैं कह देना चाहता हूं, ये मैं कहने आज आपके बीच में आया हूं. अभी तक समाजवादी पार्टी का यहां संगठन जो था वो एक हम लोग जो है एक ग्रुप बना के चला रहे थे. अभी तक सपोर्ट नहीं दी गई थी, लेकिन आज दीजिए. वो हम लोगों ने सबके तय करने के बाद ये तय किया गया कि अरफाज शेख को भिवंडी महानगर का प्रेसिडेंट बनाया जाता है. और मैं इनको लेटर देता हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर देता हूँ. लेटर आके दिखाइए. देश परेशान है बीजेपी की नीतियों से. हमारे पास जो आए हैं, अरे यार चुप रहते हैं जरा यार, प्रधानमंत्री जी वो इतना झूठ बोलते हैं कि उनकी कोई बात सही नहीं होती है. वो क्या कहते हैं, 650 करोड़ लोगों में जोड़ दिया है. वो भी जाकर विदेश से बोलते हैं, जबकि देश की जो आबादी है वो 135 करोड़ है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उस पर क्या जाए हम. लेकिन अब ये हो रहा है, पहले से लोग मारे गए, दूसरे बार फिर मारे गए. उसमें मुसलमानों की आज भर्ती जो है सरकारी नौकरियों में 3% से ज़्यादा नहीं है, फौज में उसे भी कम है. लेकिन अगर आप इसी हमले का लेंगे तो 3% भर्ती और 6% शहीद हुए मुसलमान, और कश्मीर के मुसलमान शहीद हुए. पहली बात जो था उसमें नसीर नाम के थे, वो भी मारे गए बेचारे, शहीद हुए. और कश्मीर में मुस्लिम सिपाहियों के घर पर भी आतंकवादी हमला कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि सब पे हमला नहीं हो रहा है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर एक ही रियासत है. जम्मू के अंदर 6 दिन का कर्फ्यू हुआ, वहाँ के मुस्लिम कश्मीरियों को गाड़ियाँ जलाई गई, घर जलाए गए,
छह दिन तक वहाँ बहुत मतलब उनके ऊपर जुर्म तशद्दुद हुआ। सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है, चीफ मिनिस्टर नहीं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चल रही सरकार। आज कश्मीरी लोग समझते हैं कि मेरा पूरा देश है भारतवर्ष, कश्मीर, कश्मीरी इसी देश, कश्मीर इसी देश का हिस्सा है। देहरादून जो कश्मीर पढ़ने गए थे, कश्मीरी पढ़ने गए थे, उनको मारा गया, उनको भगा गया। जो बेचारे कुछ अपना शाल और बेचने गए थे, उनके साथ हमला किया गया। मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ, पहले हम ही बोलते हैं कि अगर अपने देश में गद्दार से गोली बाजार है, वो क्या बोलेंगे पहले? सभी सरदार जो है अरफात शेख का जो है सदर भिंडी के चुने गए हैं, उनके खुशी में उन्हें शाल और फूलों से उनका सत्कार कर रहे हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता जुबैर अहमद शेख करने बात सचिव, इनके बाद रियाज शेख हरियाणा, रियाज शेख आफ्ताब शेख वाइस प्रेसिडेंट भिवंडी, के बाद अफजल भाई हाजी तबरेज, नौशाद खान, तुकाराम, सरफराज से मलिक बबलू, मलिक बबलू, उनके बाद है निहाल अहमद शेख प्रेसिडेंट भिवंडी, सलीम शफी खान की प्रेसिडेंट, अरविंद यादव, अबू दानी साजमी, अंसारी, शकील अंसारी मेंबर, कैसर जहां मांगी रासायनिक डिपार्टमेंट मेंबर, शकील अंसारी मेंबर,